पराया बेटा। निधि और राजेश की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। निधि के सास ससुर निधि को बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने सगे बेटे राजेश के साथ उनकी कुछ खास बनती नहीं थी। हाँ जी, सुनते हो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। तुम मायके चली जाओगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? तुम जानती हो ना, अभी मेरे ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है। कुछ दिन बाद चली जाना तुम। कैसी बात करते हैं आप, माँ बाबूजी भी तो पास वाले घर में ही रहते हैं। मैं माँ को कह दूंगी, वो आपके लिए खाना बना दिया करेंगी। अरे वो तो वैसे भी बना देंगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम अपने मायके चली गई हो, लेकिन मुझे नहीं खाना उनके हाथ का खाना। अरे वाह, आपके सगे माँ बाप है, आप क्यों हमेशा इस तरह से बात करते हैं? देखो निधि, मैं मानता हूँ कि वो मेरे माँ बाप है, लेकिन फिर भी। और अगर तुम्हें मायके जाना है तो चली जाओ, मैं टिफिन सेंटर से अपने लिए खाना मंगवा लूंगा। राजेश के ऑफिस जाने के बाद निधि पास वाले घर में रहने वाले अपने सास ससुर के पास जाती है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जा रही हूँ, अगर आप राजेश के लिए खाना भिजवा सके तो बहुत अच्छा होगा। बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, राजेश मेरा अपना बेटा होकर भी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। जी मैं जानती हूँ, अगर ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाती माँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से अपने मायके जाकर आओ। और वैसे भी कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी देवरानी प्रियंका की डिलीवरी होने वाली है, फिर सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। जी माँ, मैं भी वही सोच रही थी, और बस इसीलिए जल्दी से अपने मायके जाकर वापस आ जाना चाहती हूँ। निधि अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद निधि की सास अपने बेटे राजेश को रोज खाना बनाकर उसके घर भेजती, लेकिन राजेश अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाता। सारा खाना रोज़ रोज़ घर के बाहर पड़ा रहता। जब निधि वापस लौट कर आती है तो राजेश उसे सारी बात बताता है। उसकी ये बात सुनकर निधि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने ये अच्छा नहीं किया, भला कोई अपनी माँ के हाथ के बने खाने को इस तरह से फेंकता है क्या? देखो निधि, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मेरे माँ बाप हमेशा मेरे कमाए हुए पैसों पर अपनी नीयत बनाकर रखते हैं, और इसी वजह से मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करता। आपको अपने माँ बाप के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वे बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जिम्मेदारी संभालना आपका काम है। लेकिन मेरे अपने भी तो बच्चे हैं, क्या मैं उनके ऊपर खर्च ना करूं, उनके लिए पैसे बचाकर ना रखूं? देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन जब आप बच्चे थे तो आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, वो सारी चीज़ें दिलाई जो आप चाहते थे, और अब वे बूढ़े हो चुके हैं तो आपको भी उनका उसी तरह ख्याल रखना चाहिए। निधि के समझाने के बाद भी राजेश को उसकी बात समझ में नहीं आती। कुछ दिनों के बाद निधि की देवरानी प्रियंका की डिलीवरी होती है। निधि की सास निधि को बुलाने के लिए उसके घर आती है, लेकिन उस वक्त निधि घर पर नहीं थी और राजेश घर पर था। राजेश बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मैं, आप बताइए कैसे आना हुआ? अब प्रियंका को बच्चा हुआ है ना, उसका नामकरण संस्कार है, इसलिए निधि को बुलाने आई थी। निधि को बुलाने आई थी, क्या मतलब है? मुझे नहीं बुलाने आई, मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ? अरे जो बेटा मेरे हाथ का खाना नहीं खाता, कभी मुझसे मिलने नहीं आता, उसे बुलाने का क्या फायदा? लेकिन माँ, आपका प्यार भी तो सिर्फ पैसों तक का ही है, आपको कौन सा मुझसे प्यार है? ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें क्या तुम्हारी बीवी को भी नहीं बुलाती। कह देना निधि से कोई जरूरत नहीं है नामकरण संस्कार में आने की। नाराज होकर निधि की सास राजेश के घर से चली जाती है। कुछ देर बाद जब निधि बाजार से लौट कर आई तो राजेश ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर निधि को काफी दुख हुआ, वो दौड़कर अपनी सासू माँ के पास गई। ये क्या माँ, आपने मुझे भी प्रियंका के बच्चे के नामकरण में आने से मना कर दिया? तुम तो जानती हो बेटा, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, और इसीलिए तुम्हें बुलाने के लिए घर भी आई थी। लेकिन राजेश ने मेरे साथ जिस तरह व्यवहार किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ माँ, वो आपके बेटे होकर भी पराया जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो समझा कर थक गई हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया बेटा, क्योंकि राजेश को फिर से लगता कि मैं उसके पैसों के खातिर उससे नाता रखना चाहती हूँ।
निधि दुखी होकर वापस अपने घर लौट आती है और मन ही मन सोच लेती है कि अब उसे ही कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे राजेश के दिमाग से गलतफहमी निकल जाए और वो अपने माँ बाप को फिर से इज्जत की नज़र से देखने लगे। कुछ दिनों के बाद राजेश 4 दिन के लिए शहर से बाहर चला जाता है और निधि घर में अकेली थी। निधि जानबूझकर स्टूल से गिरकर अपने आप को चोट लगा लेती है और जब राजेश को फोन किया, सुनो मैं स्टूल से गिर गई हूँ, मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, घर पर भी कोई नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मोबाइल फ़ोन मेरे पास ही रखा था इसलिए मैं आपको फ़ोन कर पा रही हूँ। बच्चे भी स्कूल में हैं, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में। अरे निधि ये क्या कर लिया तुमने, कैसे गिर गई? देखो मैं भी शहर में नहीं हूँ, अब कौन तुम्हारी मदद करेगा? अगर आप कहें तो मैं मम्मी जी को फ़ोन कर दूँ, वो यहाँ पर आ जाएंगे तो कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तुम माँ को फ़ोन कर दो और देखो तुम्हारे इलाज में जो भी खर्चा है वो सारे पैसे मैं दे दूँगा, उनसे कुछ भी लेने देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है ना, इस बारे में बाद में भी तो बात कर सकते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद निधि अपनी सास को फ़ोन करके बुलाती है। निधि की सास उसे अस्पताल लेकर जाती है और निधि के पैर का इलाज करवा देती है। 4 दिन के बाद जब राजेश घर लौट कर आता है, निधि कैसा है तुम्हारा पैर, ठीक तो है ना? वो तो भला हो माँ जी का जो वक्त पर आई, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, माँ के आने की वजह से सही समय पर तुम अस्पताल पहुँच गई, वरना आप भी शहर में नहीं थे, बच्चे भी घर पर नहीं थे और मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तुमने हॉस्पिटल के इलाज के सारे पैसे तो दे दिए ना, मेरा मतलब है माँ से कुछ लिया तो नहीं है ना? कैसी बात करते हैं आप, वो माँ है आपकी, उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया, सारा का सारा खर्चा खुद ही करवाया है और 2 दिन से अपने हाथ से बनाकर खाना भी खिला रही थी। निधि तुम हमेशा मुझे समझाने की कोशिश किया करती थी कि मुझे अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझ में आ गया कि उन्हें मेरे पैसों का लालच नहीं है, बल्कि वो तो मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखते हैं। राजेश की बात सुनकर निधि मन ही मन मुस्करा रही थी और अपने आप से कह रही थी कि चलो अच्छा है, मुझे थोड़ी चोट लगी, तकलीफ हुई, लेकिन कम से कम मेरे पति को समझ तो आ गया कि उनके माँ बाप बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि वो तो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं।